नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। विधायक ने निपटाया सिद्ध बाबा मेला विवाद। आपको बता दें, सिद्ध बाबा मेले में पहुंचे बरखेड़ा विधायक व पूरनपुर विधायक। भंडारे में किया गया प्रसाद का भोग, जहां पर आपको बता दें इस वक्त की खबर पूरनपुर से आ रही है, जहां पर पीटीआर की माला वन रेंज स्थित सिद्ध बाबा स्थल पर एक महीने तक चलने वाले मेले के आयोजन में वन विभाग की आपत्ति के बाद विवाद पैदा हो गया था। काफ़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ हंगामा करते हुए आक्रोश जताया था। आज बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने साथ जाकर विवाद निपटवाया, जहां पर बताया गया कि मेला लगेगा लेकिन पॉलोथीन के प्रयोग व लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सिद्ध बाबा मेले में प्रतिवर्ष कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। पीटीआर के अधिकारी ने इस मेले को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। वहीं आपको बता दें, अंत में मेले आयोजन विधिवत होता है। इस बार भी मंदिर के पुजारी व अन्य लोगों को बुलाकर मेला न लगने के लिए धमकाया गया था। आरोप है कि कई शर्तें भी ठोकने का प्रयास किया गया था। इस बात की जानकारी लोगों को लगी तो काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई और लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वन विभाग के खिलाफ काफ़ी आक्रोश जनता में देखा गया। सूचना पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद व पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान सिद्ध बाबा स्थल पर पहुंचे, साथ में काली नगर के तहसील माधो टांडा के थानाध्यक्ष और वन विभाग के डिप्टी रेंजर भी पहुंचे, जहां विधायक ने डीएफओ पीटीआर नवीन खंडेवाल से बात की, जिस पर उन्होंने पॉलोथीन का प्रयोग रोकने पर जंगल की लकड़ी न जलाने को लेकर जंगल के नियमों का हवाला दिया। विधायक ने इस बात पर लोगों को राजी कर लिया कि वह ना तो पॉलोथीन का प्रयोग करेंगे और ना ही लकड़ी जलाएंगे। इस पर मेला आयोजन की सहमति बन गई। विधायक प्रवक्तानंद ने बताया कि मेला पहले की भांति लगेगा। इसी की बात सुनकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। हंगामा टाइम्स भी, हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे।